जो विद्यालय संस्कृति प्रबंधन एवं शिक्षा। तो कल हमने इस विषय के बारे में चर्चा की थी, विद्यालय के आधार कौन कौन से होते हैं, जिसमें कल हमने अध्यक्ष रचना के बारे में पढ़ा था। इसी में अपना नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय के दार्शनिक आधार। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। शिक्षा जीवन के मूल्यों एवं आदर्शों से जुड़ी हुई है, अतः विद्यालय की स्थापना में भी दार्शनिक आधार निहित है। शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षा की गतिविधियां, अनुशासन, प्रशासन एवं विद्यालय, सभी को दर्शन एक आधार प्रदान करता है। यानी जितने भी दार्शनिक आधार है या दर्शन शास्त्र है, उससे हमारी जो शिक्षा है वो प्रभावित हुई है। और दर्शन भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं, और सभी ने मतलब क्या है कि विद्यालय शिक्षा, विद्यालय की स्थापना, अनुशासन एवं गतिविधियां, इन सभी चीजों को प्रभावित किया। चाहे इसमें शिक्षण विधि हो, पाठ्यक्रम हो, खेल के मैदान हो, तो सब चीजें क्या है कि हमारे दार्शनिक जो विचारधारा है उनसे प्रभावित रही है। तो इसी कड़ी के अंदर हम देखते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं प्रकृतिवाद। अगर प्रकृतिवाद की बात करते हैं, प्रकृतिवाद आधारित विद्यालय। शिक्षा दर्शन में बहुप्रचलित विभिन्न वादों के तहत प्रकृतिवाद के विद्यालय कठोर बंधनों वाली संस्था न होकर के स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने वाली संस्था होती है। इन विद्यालयों में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता से अनुशासन में रहते हुए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की पूर्ण सुविधा होती है। इसमें बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। और प्रकृतिवाद पर आधारित विद्यालय सह शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं, तो प्रकृतिवाद के जो प्रमुख विचारक है वो है अरस्तु, हक्सले, कांट, हॉक्स, रूसो एवं लेमार्क। यानी ये प्रकृतिवादी विचारधारा के दार्शनिक रहे। तो इनका मानना है कि बच्चे को प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी बच्चा जो कुछ अपनी रुचि के अनुसार सीखना चाहता है उसको वही चीज सिखाई जानी चाहिए। यानी बाहर से उस पर कुछ भी थोपना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई साहित्यकार बनना चाहता है तो उसको साहित्यिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इंजीनियर है तो इंजीनियर की शिक्षा, डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर, वकील बनना चाहता है तो वकालत की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। प्रकृति में रह करके, प्रकृति के सानिध्य में रह करके अगर वो शिक्षा ग्रहण करता है तो वह शिक्षा जो होती है सबसे उत्तम शिक्षा मानी जाती है। ऐसा प्रकृतिवादी विचारधारा को मानने वाले जो दार्शनिक है उनका मानना है, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी नाम ले सकते हैं, जिन्होंने शांति निकेतन वगैरह कई विद्यालय जो थे वो स्थापित किए। और प्राकृतिक वातावरण के अंदर जैसे नदी, नाले, पहाड़े, पेड़ पौधे, बाग, बगीचे, इन सब के सानिध्य में रह करके बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना है। क्योंकि जैसे नाम से स्पष्ट है प्रकृतिवाद, यानी प्रकृति के अंदर रह करके और पूर्ण स्वतंत्र रूप से उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रकृतिवाद के बाद हम बात करते हैं आदर्शवाद पर आधारित विद्यालय। आदर्शवाद के आधार पर विद्यालय मानवीय क्रियाओं का एक आदर्श लघु रूप होता है, जिनमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। विद्यालय को बाग का रूप माना जाता है और शिक्षक को बाग का माली। विद्यालय में अनुशासन प्रभावात्मक होता है, तब बालकों को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आदर्शवाद के आधार पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक पृथक विद्यालय होने चाहिए, यह आदर्शवादियों का मानना है। यानी आदर्शवादी मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो एक पौधे के समान है, और विद्यालय को वो एक बाग बगीचे के समान मानते हैं। तो जिस प्रकार बगीचे का माली होता है, उसका काम होता है पौधों को पानी देना, उनकी देखरेख करना, सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि मौसम जो भी होते हैं उनसे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी रक्षा करना। तो जिस प्रकार छोटे पौधे होते हैं और वो अपने आप प्रकृति के सानिध्य के अंदर प्राकृतिक वातावरण से पोषक तत्व ग्रहण करके और समय समय पर अपने फल फूलित होते रहते हैं, उसी प्रकार बच्चों को भी क्या है कि
आदर्शवादियों का मानना है कि उनको एक नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो वैसे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों मिलते जुलते ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये बंधन को मानते हैं और प्रकृतिवादी जो है वो बंधन रहित विद्यालयों की कल्पना करते हैं। तो प्रमुख अगर हम आदर्शवादियों की अगर बात करते हैं, उसमें सुकरात को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। सुकरात है, देकार्ते हैं, प्लेटो है, कांटे हैं, जॉन लॉक है तथा महात्मा गांधी, ये सब आदर्शवादी विद्यालय की स्थापना के पक्ष में थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोजनवाद पर आधारित विद्यालय। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा शिक्षा के समाज को नया रूप देती है, अतः विद्यालय भी एक सामाजिक संस्था का ही रूप होता है। विद्यालय समाज का ही लघु रूप है। विद्यालय ऐसा हो जिसमें बालक को समाज में रहना, कार्य करना और आधुनिक सामाजिक जीवन की विषमताओं के मध्य अपनी क्षमताओं का उपयोग करना सिखाया जा सके। प्रयोजनवादी विद्यालय सामाजिक जीवन के आधार केंद्र के रूप में होते हैं और वे विद्यालय समाज के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। यानी प्रयोजनवाद का जो प्रमुख रूप से जो है वो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, समाज पर आधारित ही विद्यालय होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता है, समाज में रहकर के कार्य करना पड़ता है, आधुनिक जो तौर तरीके हैं उनको सीखना पड़ता है, समाज के अंदर बदलाव करना पड़ता है, समाज के अंदर जो विषमताएं हैं, कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, अंधविश्वास है, उनको भी समाप्त करना प्रयोजनवाद का मानना है। भी अगर बच्चा एक अच्छी तरह से अगर सामाजिक व्यक्ति बन जाता है तो वह समाज के अंदर, क्योंकि समाज से ही हमारे अगर समाज की उन्नति होगी तो हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि बच्चे में सामाजिकता और समानता, समूह, प्रेम और भाईचारे की भावना, इन सब का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रयोजनवादियों की बात करते हैं तो प्रयोजनवाद में प्रमुख रूप से हम जॉन डीवी, रॉस और डाल्टन का नाम ले सकते हैं। ये प्रयोजनवाद के पक्ष में इन्होंने अपने विचार रखे थे। उसके बाद हम बात करते हैं यथार्थवाद आधारित विद्यालय। तो यथार्थवादी आधारित विद्यालयों में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि किसको किस समय और कितना पढ़ाना है। विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण का स्थान है, जहां शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक का वर्तमान जीवन है।